हेलो जी नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल माय नेम इज हिमानी एंड आई एम बैक विथ न्यू वीडियो और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में कि व्हेन वी गॉट अर यूएस वीजा यूएस टूरिस्ट वीजा हमको उस समय इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए थे एंड बिकॉज हमने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो डाला है जिसमें डिटेल में सागर ने आपको डी एस में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है

तो चलिए शुरू करते हैं और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी जल्दी से डिटेल में हमारा एक्सपीरियंस कैसा था वो आपको बताएंगे हाँ जी तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो वीजा का प्रोसेस था वो पूरा 15 डेज में हमने कर लिया और इंटरव्यू करके वापस आकर हमारा वीजा विद इन अ वीक घर पर आ गया था तो हमारे लिए ये प्रोसेस काफी स्मूथ रहा क्योंकि सागर ने इस इसमें बहुत मेहनत करी तो हमारा जो इंटरव्यू था वो कोलकाता से था और जब हमने अपॉइंटमेंट लेने के लिए प्रोसेस कर रहे थे तो हमने ये माइंड में बिल्कुल क्लियर रखा था कि हम किसी भी सिटी के लिए ओपन है बीट डेली हैदराबाद चेन्नई कोलकाता मुंबई हमें जहां का भी मिलेगा हम वहां का ले लेंगे तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था क्योंकि जाना ही पड़ता तो हमने फिर कोलकाता चूज किया और हमें दो डेट्स थी ऑब्वियसली दो डेट्स मिलती है आपको एक डेट पे आपका बायोमेट्रिक होता है पहले एंड दूसरी डेट पे आपका इंटरव्यू होता है तो मैं आपको सबसे पहले बता देती कि बायोमेट्रिक के लिए जब आप जाते हैं तब आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक होता है तो बायोमेट्रिक वाले दिन आपका डीएस 160 फॉर्म का जो सबसे फर्स्ट पेज होता है डीएस 160 जो फॉर्म होता है वो और उसके साथ पासपोर्ट आपका ओरिजिनल पासपोर्ट दोनों चेक किया जाता है और दोनों चेक करके मिलाया जाता है कि सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है आपका एड्रेस है योर नेम योर सरनेम योर फादर्स नेम डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट नंबर ये सब कुछ वेरीफाई करते हैं वो कि वो सही है कि नहीं है तो बेसिकली यही दो चीजें आपकी बहुत ध्यान से देखी जाती है और उसके बाद बायोमेट्रिक होता है जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स आपका फोटोग्राफ आई रेटिना का जो प्रिंट होता है वो ये सारी चीजें स्कैन की जाती है ये सब लिया जाता है और दैट्स इट बस इतनी सी चीज होती है इसके लिए आपको हार्डली 15 20 मिनट्स और हाफ एन आवर मैक्स हाफ एन आवर लगता है क्योंकि उसका भी टाइमिंग होता है उसी टाइमिंग से आप जाते हो वहां सेंटर पे और वहां पे आपका बायोमेट्रिक होता है तो ये तो हो गई बायोमेट्रिक की बात अब हम बात करेंगे इंटरव्यू सो इंटरव्यू में सबसे पहले बहुत सारे लोग जो है वो इतनी मोटी मोटी फाइल्स बनाकर ले जाते हैं जबकि अगर आप यूएस एम्बसी यूएस की गवर्नमेंट वाली जो साइट है जहां से आपको वीजा के बारे में पता चलता है वो आप पढ़ोगे तो वहां पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है आपको ये सब कुछ लेकर आना है बट अगर लोगों को ये डर होता है कि शायद वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बहुत सारे लगाएंगे बहुत सारी चीजें लेकर जाएंगे तो इजी हो जाएगा बट मैं ये नहीं कहती हूं कि आप डॉक्यूमेंट मत लेकर जाओ पर जो जरूरी डॉक्यूमेंट है जो आपको लगते हैं कि ये आपके वीजा के टाइम पे आपसे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये जरूरी है जैसा कि क्या वो मैं आपको बता देती हूँ जैसे हम लेकर गए थे अपना ओरिजिनल पासपोर्ट ऑब्वियसली दूसरा डीएस वन फॉर्म की हम पूरी कॉपी जो निकाल के रखी थी हम वो लेकर गए थे तीसरा हमारे बैंक का स्टेटमेंट हमारे दोनों के अकाउंट के बैंक स्टेटमेंट सिक्स सिक्स मंथ के जिसमें हमने बैंक से सील और साइन करवाई थी और चौथा हम सागर जैसे वो जॉब करता है तो उसकी ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेटर जो आप ज्वाइनिंग के टाइम पे मिलता है वो सैलरी स्लिप तीन मंथ की उसका कॉपी और अगर आप अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर ऑब्वियसली आप अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर जाओगे तो वो एनओसी अगर आप करवाना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो पर हमारा कोई भी ऐसा प्लान फिक्स नहीं था हमने यही दिखाया था कि कि हमारा टेंटेटिव प्लान है 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 हम में जाएंगे बट अभी कुछ भी फिक्स नहीं नहीं तो तो अगर वो नहीं है, तो आपको एनओसी डालने का भी कोई जरूरत नहीं है एंड देन लास्ट कवर लेटर एक कवर लेटर जिसमें कि आप लिख सकते हो सिंपली उनको बताने के लिए पर वो भी शायद ही वो चेक करे या ना भी करे तो so, ये सारे तो हम लेकर गए थे जब हम गए थे यूएस वीजा के इंटरव्यू के लिए अब मैं आपको डिटेल में बताती हूं कि जब हम इंटरव्यू के लिए गए तो क्या प्रोसेस था और हमसे क्या सवाल पूछे गए सो so, इंटरव्यू के लिए हमारा जो टाइम स्लॉट था वो था दस बजे का पर हम नौ बजे एम्बेसी के बाहर पहुंच गए थे यूएस एम्बेसी कोलकाता हम वहां पहुंच गए हमको लगा हो सकता है हमें एड्रेस ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए और हाँ क्योंकि वहां पर कोई फोन कोई वॉच अलाउड नहीं होता है तो हमने अपना फ़ोन और सारी चीज़ें जो है अपने होटल रूम में ही रख दी थी कोलकाता में तो हमारा टाइम था दस बजे का हम वेट कर रहे थे एंड देन ही कॉल्ड कि जिन लोगों का भी दस बजे का भी टाइम है वो आ जाओ तो नाइन थर्टी ही कॉल्ड एंड वी वेंट देयर उन्होंने हमारा डी एस वन सिक्सटी पासपोर्ट वो चेक किया एंड देन हमें आगे जाने को बोला वहां से आप एंटर करते हो लाइन लगी होती है तो हमारे आगे आई थिंक कुछ दो चार लोग ही थे और पीछे भी चार पांच लोग थे और बस हम लाइन में लगे और फिर जैसे आप एंटर करते हो एम्बेसी में वहां पर आपका पूरा जैसे सिक्योरिटी चेक होता है ना एयरपोर्ट में वैसा ही पूरा चेक होता है सिक्योरिटी चेक जैसा कि आपके सारे सामान को जो भी डॉक्यूमेंट्स है फाइल है उनको ट्रे में रख दिया जाता है और आपका पूरा बॉडी का स्कैन होता है और फिर आप जाते हो अंदर वो ट्रे, आपकी फाइल लेकर तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंट वाली फाइल और पासपोर्ट ही लेकर जाओ उसके अलावा आपको कुछ भी अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा तो ये करके जैसे ही आप अंदर जाओगे सिक्योरिटी करके तो आप सीधा ही उस हॉल में एंटर हो जाओगे जहां पर सामने सारी विंडोज हैं और इंटरव्यू चल रहे थे ऑलरेडी लोगों के और हमारे आगे कुछ आठ सात आठ लोग थे बस और हमें दिख रहा था कि बस इन सात आठ लोगों के बाद हमारा नंबर आएगा और क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो उनका सबका एक साथ इंटरव्यू होता है जैसे दो बच्चे हैं दो पेरेंट्स हैं तो वो चारों एक साथ जाते हैं एक ही इंटरव्यूअर के पास के पास एक ही ऑफिसर के पास और वहीं पर उनका इंटरव्यू होता है तो इस तरीके से वन बाय वन वो प्रोसेस चल रहा था था वैसे तो विंडो सात आठ थी बट उसमें से सिर्फ तीन ही विंडोज ओपन थी क्योंकि बहुत कम लोग थे तो तीन ही ऑफिसर बैठे थे जो इंटरव्यू ले रहे थे अब हम सुन पा रहे थे आप जब खड़े होते हो तो आप थोड़ा थोड़ा सुन पाते हो क्योंकि बहुत ही ऐसे सामने क्लोज कोलकाता एमबीसी में क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया बहुत ऐसे सामने सामने ही सब रहते हैं खड़े हुए और दूसरे एमबीसी का आई डोंट नो बट आप बिल्कुल सुन पाते हो कि इंटरव्यू उनसे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि उनका माइक का जो आवाज है वो बाहर आता है हाँ जो इंटरव्यू दे रहे हैं जो कैंडिडेट है वो क्या बोल रहे हैं शायद वो ना सुनाई दे पर ये पूरा पूरा आप सुन पाते हो तो वो बस हम सुन रहे थे कुछ लोगों का अप्रूव हो रहा था किसी एक दो लोगों का रिजेक्ट हुआ तो बस वो देख के थोड़ी सी धड़कन तो बढ़ जाती है थोड़ा टेंशन तो हो जाता है बट हमने अपने आप को बहुत ऐसे काम रखा और क्योंकि सागर और मेरा हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो हमने एक साथ इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट लिया था आ, मैं सागर की डिपेंडेंट उसमें मेरा नाम था और सागर वॉज द मेन कैंडिडेट तो जैसे ही हमारा नंबर आया हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दूसरे और जो तीन विंडोज में चल रहे इंटरव्यू हमारा उनमें से किसी एक में नंबर आएगा बट सडनली एक विंडो में नए ऑफिसर आ गए और उन्होंने हमें बुलाया तो हम दोनों गए एंड ग्रीटेड हिम कि गुड मॉर्निंग ओपन करते हैं देखते हैं और वो स्क्रॉल करते करते वो आपसे सवाल पूछते हैं अब उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे तो सबसे पहला सवाल जो उन्होंने सागर से ही ज्यादा सवाल पूछे मुझसे कुछ दो तीन ही सवाल पूछे थे सागर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे तो उससे पूछा कि वाई यू वॉन्ट टू विजिट यूनाइटेड स्टेट्स तो ही सेट कि हम ट्रेवल uh, करने के लिए जाना चाहते हैं आर कपल ऑफ वी वी टू विजिट हैव इन बकेट लिस्ट सो उन्होंने बोला कौन कौन सी जगह है तो सागर ने बताया जो हमने अपने कवर लेटर में भी डाली थी कि सैन फ्रांसिस्को फ्रांसिसको नेशनल पार्क लास वेगस एंड ऑल दैट तो उसने वो बताया एंड देन ही की वट डू यू डू हियर वट इज योर जॉब प्रोफाइल तो वो आपके डी एस में जो भी आपने फिल किया है ना उससे आपका सामने चेक कर रहे होते हैं कि आपने जब बी एस वन सिक्सटी में जो फिल किया है इन्फॉर्मेशन वो और जो आप बोल रहे हो अगर वो सही है तो आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे और अगर वो गलत है <coughs> और अगर वो गलत है या फिर आपने किसी से मतलब मन घड़त कहानी टाइप आपने कुछ लिखवाया है तो आप शायद फंबल कर सकते हो आप थोड़ा डर के बोलोगे तो वो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे होते हैं और आपसे वही सवाल करते हैं जो डीएसटी में आपने फिल किया उससे रिलेटेड ही सवाल करते हैं अब वो सबके अलग अलग हो सकते हैं हमारे टाइम पे हमसे ये पूछा और उसके बाद सागर ने अपनी जॉब प्रोफाइल बताई देन ही आज की हाउ मच वट अबाउट योर सैलरी हाउ मच डू यू अर्न पर मंथ तो उसने

तो वो स्माइल भी करने लगे एंड देन क्योंकि मैं पहले यूएस जा चुकी हूँ और मेरे पासपोर्ट में और उनके सिस्टम में भी वो दिखता है कि मैं पहले जा चुकी हूँ मेरे पास ऑलरेडी वीजा था वो लास्ट ईयर ही एक्सपायर हुआ है उसके ऊपर भी मुझसे कुछ सवाल पूछे जैसे कि यू बीन टू यू एस आई सी डी उसने बोला यू यूज टू वर्क इन रेडियो क्योंकि मैं रेडियो के टाइम जब जॉब कर रेडियो में जॉब करती थी उस टाइम मेरी कंपनी को मेरे रेडियो स्टेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यूएस गई थी और उन्होंने वही देखा

तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो सागर ने भी मेंशन करी उस वीडियो में कि आपका कोई भी रिलेटिव आपके कोई नोन अगर रहते हैं वहां पे तो आप उनका मेंशन करो जब 160 में होता है इन्फॉर्मेशन पूछते हैं आपसे कि डू यू नो इन तो आप उनका इन्फॉर्मेशन डालो तो हमने अपने फ्रेंड का डाला था एंड ही आस कि आप उनको विजिट करोगे तो हमने कहा नहीं nah, हम उनको विजिट नहीं करेंगे बट ही माइट ज्वाइन ऑन द ट्रिप सो उसने फिर उसके बाद उनके बारे में कोई सवाल नहीं पूछे हमसे एंड uh, बस कुछ देर वो देखते रहे हमारे इन्फॉर्मेशन वगैरह को डॉक्यूमेंट्स को एंड ही सेट की कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोला था हमको ये बोला कि uh, हमारे पासपोर्ट रख लिए एंड ही सेट कि हैव अ नाइस ट्रिप टू यूनाइटेड स्टेट्स थे। पर आप के सामने अपना वो खुशी ऐसी एकदम हमने दोनों ने ऐसी बत्ती से दिखाई एकदम खुशी वाली हम लोगों को फीलिंग हुई कि वाह फाइनली फाइनली हमारा वीजा मिल गया हमको तो बस हमसे ये सवाल पूछे गए थे अब अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आप मे भी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं नर्वस हैं हम भी नर्वस थे जब हम जा रहे थे मैंने भी यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस देखे थे मैं सागर के साथ प्रैक्टिस भी करती थी टू बी ऑनेस्ट कि अगर मुझसे ये सवाल पूछ लेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी और ये पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी ऐसे हम इंटरनल अपना एक दूसरे के साथ थोड़ी प्रैक्टिस करते थे पर ये सब नॉर्मल है अगर आप ऐसा कर रहे हो इट्स वेरी नॉर्मल पर जब आप वहां जाओगे और आपसे जब सवाल पूछेंगे वो क्या होंगे ये किसी को नहीं पता मे बी वो आपसे सिर्फ दो तीन ही सवाल करे मे बी वो आपसे दस पंद्रह सवाल करे इट डिपेंड्स कि आपका फाइल आपका जाने का पर्पस कितना क्लियर है और आप कितने कॉन्फिडेंट हो आप उनके सामने जब बोल रहे हो बात कर रहे हो तो आप कितना कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हो ये सब कुछ बहुत मैटर करता है एंड बस वही हमने फॉलो किया हम बिल्कुल ऐसे हम नहीं दिखा रहे थे कि हम डरे हुए हैं और जो सवाल पूछा उसका सच सच जवाब देना है आपको जो भी सवाल पूछा जाए बिल्कुल घुमा फिरा के स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें मतलब ऐसा स्मार्टली डील ना करें कि हाँ हाँ ठीक है आ, मतलब हम उनको घुमा देंगे अपनी बातों में वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं वो आपके आंखों से आपकी बातों से समझ जाते हैं कि यू आर लाइंग और यू आर मतलब आपके बॉडी लैंग्वेज में अगर थोड़ा उनको कुछ लगा तो वो बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते सकता है आपका वीजा तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है सच बोलना है और सच बोलोगे तो एनी वेज आप कॉन्फिडेंट दिखोगे तो बस यही कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एंड ऑल द वेरी बेस्ट अगर आप वीजा इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सवाल है जो हमसे पूछना है तो आप कॉमेंट सेक्शन पे डाल देना हाउ वी टू आंसर एंड या दिस इज इट गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर एंड दूसरा वाला वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड अपकमिंग डेज में अब हम बाली की सीरीज पोस्ट करें क्योंकि हम रिसेंटली बाली जाकर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू गिव इट अ लाइक कॉमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल विल सी यू अनदर वीडियो वेरी वेरी सुन देन टाटा बाय बाय नमस्ते